नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रांश अतुल के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विंडो 8 में मंगल का रेमिंगटन गेल CBI फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, जिससे कि आपके कंप्यूटर में यह फॉन्ट सही से वर्क कर सके। दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी कंप्यूटर की डिस्क PC की प्रॉपर्टी चेक करनी होगी। हमें यह पता करना होगा कि हमारा जो कंप्यूटर है वह 32 बिट का है या 64 बिट का है। इसके लिए हम डिस्क PC पर राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रॉपर्टी पर जाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वह 64 बिट का है, तो इसके लिए हमें 64 बिट वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। दोस्तों, मैंने दोनों सॉफ्टवेयर की लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है तो आप 32 बिट वाली लिंक से डाउनलोड कर लेना, और यदि आपका सिस्टम 64 बिट का है तो आप 64 बिट वाली लिंक से डाउनलोड कर लेना। दोस्तों, जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से सॉफ्टवेयर आपके सामने आएगा। सबसे पहले हमें इस सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि इसका फोल्डर बन के आपके सामने आ जाएगा। अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इसको रन कर देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट यस दोस्तों, अगर आपको फॉन्ट इंस्टॉल करने में कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों, यह फॉन्ट इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। इसके लिए हम पहले कंट्रोल पैनल में जाते हैं। कंट्रोल पैनल टाइप करेंगे तो कंट्रोल पैनल खुल जाएगा हमारा। उसके बाद हमें लैंग्वेज में जाना पड़ेगा। ये है लैंग्वेज, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, इसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा यूज़ द डेस्कटॉप लैंग्वेज बार। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको सेव कर देना। फिर आपके टास्क बार में एक ऐसा EN लिखा आ जाएगा। दोस्तों, आइए अब हम चेक करते हैं, अपना MS वर्ड खोलेंगे। यहाँ पर हिंदी पर क्लिक करेंगे तो अभी जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये अभी ट्रांसलेटर पर सेट है। इसको रेमिंगटन गेल में करने के लिए हमें छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। हमें HI पे क्लिक करना होगा और शो द लैंग्वेज बार पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए, अभी देवनागरी इनस्क्रिप्ट आ रहा है। यहाँ पे हम हिंदी इंडिक इनपुट 3 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेटिंग पे जाएंगे और कीबोर्ड में जाके रेमिंगटन गेल पर क्लिक कर देंगे। तो अब आपका यह रेमिंगटन गेल में सेट हो गया है। तो दोस्तों, बड़ी ही आसानी के साथ साथ आप इस फॉन्ट को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।